नमस्ते, मेरा नाम सैयद फानूस है। मैं खड़ा हूँ बैंड्रा वेस्ट में। यहाँ पर काफ़ी दिनों से एक वचन है जो बना था आशीष शेलर जी के फंड से, और यहाँ के जो बैंड्रा वेस्ट के आशीष शेलर जी हैं, जो बीजेपी के हैं, एमएलए हैं, उनके फंड से यहाँ पे वचन बना था। चार साल हो गए यहाँ पर कोई वचन दिख नहीं रहा है हमें। आज हमने, हमारी टीम ने आज साफ़ सफाई करवाई यहाँ पर, और साफ़ सफाई करवाने के बाद यहाँ पे जितने भी कचरे पसारे जो दिख रहा है, जो इंक्रोचमेंट दिख रहा है, उसको हमारी टीम हटाने वाली है, और उसको हटा करके यहाँ पर हमने पब्लिक की सेवा की थी। बांद्रा वेस्ट के जो रहवासी है, यहाँ की जो सराइट रॉज के जो भी रहवासी है, जिनके लिए पेपर वाचनालय रखा था, पेपर पढ़ने के लिए रखा था, उसका कोई यूज हो नहीं रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक की सहमति से, ये हमारे यहाँ पे टीम भी बैठी है, और पब्लिक की सहमति से यहाँ पर एक वचनालय रियल वर्क फाउंडेशन की तरफ से हम बनाएंगे, और यहाँ पर जो गंदगी फैल रही है, वचनालय बना था 4 साल पर कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, यहाँ पर जो गंदगी फैल रही है उसको हमारी रियल वर्क फाउंडेशन की टीम ने पूरा भी साफ़ सफाई करवाया है, और यहाँ पर लोगों की सिग्नेचर अभी चालू है। अगर जनता अगर बोलती है कि यहाँ पे वचनालय वाचन बनना चाहिए, तो वचनालय हम यहाँ पर बनाएंगे। और मैं ये सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके एरिया में भी ऐसा कुछ इश्यू अगर आता है या उसका कोई उपयोग नहीं होता है, तो रियल वाइज फाउंडेशन का सहयोग करें और रियल वाइज फाउंडेशन को सपोर्ट करें।